Welcome students, in today's lecture we will study angiosperms. आज के लेक्चर में हम angiosperms पढ़ेंगे. angiosperms तो ग्रीक भाषा में एंजॉन का मतलब होता है क्लोज्ड और स्पर्मा मींस सीड. सो इन ग्रीक लैंग्वेज एंजॉन मींस क्लोज्ड, स्पर्मा मींस सीड. ओके, तो एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स ये सबसे मॉडिफाइड प्लांट्स है, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स है. ओके, देखो अल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में कौन सा आता है? एंजियोस्पर्म. तो सबसे मॉडिफाइड प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म. इनमें ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट है, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स. तो डेफिनेशन, द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड ओवरी और सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट. सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट. ओके, तो देखो यहां पे तो इसमें ओव्यूल्स है ओवरी के अंदर. ओके, तो ओव्यूल्स को बाहर से ओवरी का कवरिंग है, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल्स का कन्वर्शन सीड में होता है, ओवरी का कन्वर्शन फ्रूट में होता है. After fertilization, ovules are converted into seed, ovary are converted into fruit. उसके बाद में अगर लाइफ साइकिल देखी जाए, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, सो द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट डिप्लॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट, और कैसी है? इंडिपेंडेंट. स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, डिप्लॉयड है, ऑटोट्रॉफिक है और इंडिपेंडेंट है. द गैमेटोफाइट इज रेसेसिव हैप्लॉयड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. सो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसमें द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, डिप्लॉइड, ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट. इट अल्टरनेट्स विद द गैमेटोफाइट विच इज रेसेसिव हैप्लॉइड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. ओके, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. और यहां पे गैमेटोफाइट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है एंजियोस्पर्म में, कुछ देर के लिए, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, सो दिस इज अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ओके, उसके बाद में हम देखेंगे
angiosperms are heterosporous. Angiosperms are heterosporous. दो टाइप के स्पोर बनाते वो, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. द माइक्रोस्पोर्स जिसको हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एंथर. एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, विच आर अरेंज्ड ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टैमेंस और माइक्रोस्पोरोफिल्स. ओके, तो देखो ये स्टैमेन का स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे स्टैमेन. ओके, स्टैमेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल. Each stamen has three parts, anther, connective and filament. Anther is called as microsporangia. Inside which pollen grains are produced. And pollen grains are called as microspores. Pollen grains are also called as microspores. So this is about male reproductive structure. Now let us see the female reproductive structure. The megaspores are produced inside ovule. Ovule is called as megasporangia. Okay, which are arranged on a special structure called carpel or megasporophyll. Okay, so this is the structure of carpel, gynoecium. So this is stigma, this is style, this is ovary. Okay, so this structure is called as carpel. Inside which ovules are present. Ovules are called as megasporangia. Okay, and carpel is called as megasporophyll. Inside ovules, megaspores are present. From the megaspores, embryo sac is developed. Embryo sac is also called as female gametophyte. So this is about gynoecium, the female reproductive structure.
Now, angiosperms are classified into two classes, dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons and monocotyledons. Angiosperms are classified into two classes, dicotyledons and monocotyledons. They consist of two cotyledons. They consist of two cotyledons. They consist of single cotyledon. They consist of single cotyledons or cotyledon. Taproot system is present. Taproot system is present. It means the roots are having broad base and narrow or tapering towards apex. Okay. तो ये ऐसे roots रहते हैं जिसमें ये primary branches है, उसके ऊपर secondary branches रहते, secondary के ऊपर tertiary branches रहते, broad at the base, narrow towards the apex. And which goes deep into the soil are called as taproot system. Okay, so single large taproot is present here. Fibrous roots are present. Fibrous roots are present. So fibrous roots कैसे रहते? Hair like रहते. Okay, equal size के रहते और group में रहते. Deep नहीं रहते soil में. Okay. तो फाइब्रस हेयर लाइक रहते, ग्रुप में रहते एंड आर ऑफ इक्वल साइज. सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम. स्टेम इज उडी एंड ब्रांच्ड. स्टेम कैसा है? उडी है और ब्रांच्ड है. स्टेम इज हर्बेशियस herbaceous and unbranched. कुछ exceptions है उनमें branched मिलेगा, लेकिन हम normal differences देख रहे हैं तो stem is herbaceous and unbranched. Okay, in monocots usually the stem is weak and woody stem is present. Woody stem is present in dicotyledons. Now about leaf. Leaf show reticulate venation. Leaf show reticulate venation. Here leaf is with sheathing leaf base and shows parallel venation. And shows parallel venation. तो sheathing का मतलब क्या है? देखो ये stem है. अगर हम जवार या sugarcane को देखेंगे तो ये node है. तो इस node के ऊपर leaf ऐसा थोड़ा सा यहां पे rolled रहता और यहां से ये ऐसा leaf निकलता. So this is called as sheathing leaf base. Sheathing leaf base. Okay. So sheathing leaf base are present in monocots, absent in dicots. Okay, now flowers. Flowers are tetramerous or pentamerous.
तो इनमें पेटल्स चार के ग्रुप में रहेंगे या पांच के ग्रुप में रहेंगे? सो हियर फ्लावर्स आर यूजुअली ट्राइमेरस. हियर द फ्लावर्स आर यूजुअली ट्राइमेरस. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन, जनरल डिफरेंसेस बिटवीन डायकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स. एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे आप, बाकी के बुक्स में नेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते. 300,000 स्पेसीज है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में. सो एग्जाम्पल मैंगो, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, जिसको हम जासवंद बोलते हैं. इधर एग्जाम्पल आएगा, इधर सनफ्लावर भी लिख सकते, हिलियांथस एनस. इधर आएगा जवार, जिसका साइंटिफिक नेम है सॉर्गम वल्गेर. उसमें बाद में आएगा मेज, जिसका साइंटिफिक नेम है जीमेज. राइस, ओराइजा सटाइवा. व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये साइंटिफिक नेम. ओके, तो इधर सनफ्लावर, मैंगो, हिबिस्क, चाइना रोज दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और इधर जवार, मेज, राइस, व्हीट, ग्रासेस, तो पूरे ये मोनोकोटिलीडॉन्स में आते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स. This is all about angiosperms. Thank you.